नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको ट्री प्लांटेशन ड्राइव की जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या टारगेट है आज और किस सोच से आज आई हैं। इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी ये लोग ट्री प्लांट कर रहे हैं। इनको देखकर हम इनके पास पहुंचे हैं कि क्या है इनका आज का प्रोग्राम। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। मैं पायलिन सा, और जो आज का हमारा मोटिवेट है क्योंकि हमारे आज हमारे मुर्शिद संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का जन्मदिन है, तो हम उनकी जन्मदिन की खुशी में हम ये प्लांटेशन करते हैं। और हमें इतना हमें इस दिन इन दिन को इतना इन्जॉय करते हैं कि हमें इतनी खुशियाँ मिलती हैं। हमारे सदगुरु हमें दिन रात इतनी खुशियाँ देते हैं कि हम उनके कहे अनुसार जो भी वो हमें कहते हैं, हम उनके कहे अनुसार, उनके आदेश के अनुसार हम हर चीज़ें, हर उनके नियम के अनुसार, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। मैम, इतनी गर्मी, आपको भी पसीना आ रहा है, फिर भी ट्री प्लांट कर रहे हो, मतलब ऐसा इतना जज्बा कैसे है आपके? ये जज्बा हमारे गुरु के कारण है, क्योंकि हमारे गुरु के जो नियम है, उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है। उन्होंने हमें आज तक इतना खुश कर रखा है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो इस गुरु, इतने महान बड़े गुरु की वजह से हम आज उनके जन्मदिन को इस ट्रिप प्लांटेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैम, बर्थडे लोग मनाते हैं, कोई केक कट करता है, कोई अलग अलग तरीके से मनाता है, अब ट्री प्लांट करके मना रहे हो, मतलब ये अनोखा तरीका, अनोखा वे, इस क्या कहना चाहोगे इसके लिए? इससे हमारे गुरु ने, जो हमारे गुरु का जन्मदिन है ना, तो ये ट्री प्लांटेशन करते हैं, अपन ट्री लगाते हैं। ट्री से क्या है, हमें ठंडी हवा भी मिलती है, सांस लेने भी ऑक्सीजन भी मिलती है, तो बर्थडे केक तो अदरवाइज भी अपन वैसे भी सेलिब्रेट करते रहते हैं, पार्टी वगैरह इंजॉय करते रहते हैं, तो हम तो इसी ट्री प्लांटेशन करके अपने मुर्शिद का जन्मदिन बनाना चाहते हैं। मैम, आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? इतना बड़ा इनिशिएटिव आप सोसाइटी के लिए ले रहे हो, क्या नहीं, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप हर कुछ ओकेज़न, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ये प्रपोज डे, ये किस डे, ये सब हग डे, ये सब कुछ आता है, वैलेंटाइन डे, हमारे भी घर पे बहुत चीज़ें आती है, बर्थडे आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें ये भी प्लांटेशन भी करना चाहिए। और नहीं तो जैसे अब कुछ ना कुछ हमें गरीबों के लिए या किसी बेसारा लोगों के लिए ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा के बारे में आपने बात करी, लेकिन मीडिया में 4 साल पहले उनके बारे में काफ़ी अलग बातें दिखाई जा रही थी, क्या कहना चाहोगे आप? मैं मीडिया, जो आजकल लोगों का काम ही यही है कि बोलना है, तो हम मीडिया के पीछे कुछ नहीं कह सकते। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठ हैं। आप क्या कहना चाहोगे, 4 साल होने वाले हैं उनको समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? हम तो वैसे वैसे आ ही जा रहे हैं जैसे हम पहले भी आते थे, चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, हम आज तक जैसे आ रहे हैं वैसे ही आते रहेंगे। ज़रूरत है मैम उनकी समाज को? हाँ जी, ज़रूर है, पूरी अच्छी तरह ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे सच्चे गुरु हैं, उनके अनुसार आप देख सकते हो कितने ही हमारे जनता है, जो लोग हैं, वो कितने उनके मोटिव हैं, उनके सब कुछ, उनके रूल्स को, उनके सब कुछ जैसे भी अपने गुरु मानते हैं, गुरु के अकॉर्डिंग वो उनको अच्छी तरह फॉलो करते हैं। आज तक आप देख सकते हो कि सब, हर किसी में ये सब कुछ आगे होते हैं। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से आप? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे मुर्शिद को जल्दी हमारे पास देर रूप में भेजा जाए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, इतनी गर्मी के बावजूद भी ये लोग ट्री प्लांट कर रहे हैं, ये काफ़ी बेमिसाल बात है। आप लोगों को सीधी बातचीत दिखा रहे हैं और ये लोग अपील कर रहे हैं कि ऐसे संत ने, जिन्होंने ऐसी सोच इन लोगों के अंदर भरी है, उनकी इस समाज को सख्त ज़रूरत है। आपकी क्या राय, ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत